हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूज़र के अपॉइंटमेंट्स जो है गेट कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर साइट पर काम करेंगे। तो यहाँ से मैंने एज अ डॉक्टर जो है लॉग इन कर लिया है, और यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो अभी फिलहाल एम्प्टी शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली जो है इसके लिए अलग से एक पेज क्रिएट कर लेंगे और अलग से इसके लिए कंट्रोलर और राउट क्रिएट कर लेंगे और फिर वहां से इसको फेच करा के देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर देंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर, या फिर डॉक्टर है ना तो डॉक्टर के अंदर क्रिएट कर लेंगे डॉक्टर राउट्स, और इसके नीचे एक न्यू राउट हम क्रिएट कर लेंगे जिसका मेथड रहेगा गेट, और इसमें हम अपॉइंटमेंट्स को जो है गेट करेंगे राउटर डॉट के, और इसमें हम लिखेंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, और उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर और कंट्रोलर आपको क्रिएट करना है। तो सेम नाम से आप कर सकते हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स कंट्रोलर, और इसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो डॉक्टर कंट्रोलर के अंदर नीचे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, सेव कर लेते हैं ये फाइल को, और डॉक्टर राउट में हम क्या करेंगे इसको इंपोर्ट कर देंगे, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोलर ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगे, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस डॉक्टर कंट्रोलर में, और यहाँ पे हमको जो है इस पर काम करना है, तो यहाँ पे इसको एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन, इसीलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक को हम ऐड कर देंगे, कैच में आपको सिंपली कंसोल डॉट लॉक करना है और रिस्पॉन्स भी सेंड करा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें हम कर देंगे फॉल्स, एरर को एज इट इज हमको पास कराना है, और फिर मैसेज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एरर इन डॉक अपॉइंटमेंट्स, और ट्राई के अंदर हम जो है अपॉइंटमेंट्स को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना देना है कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट इक्वल टू अवेट। अवेट किस चीज़ का करेंगे, हमारे पास है अपॉइंटमेंट मॉडल और आई थिंक इसमें इम्पोर्ट नहीं रहेगा, तो टॉप पे हम क्या करेंगे इसको इम्पोर्ट कर देंगे अपॉइंटमेंट मॉडल, देखते हैं ऊपर इम्पोर्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो चुका है, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे अपॉइंटमेंट मॉडल डॉट फाइंड, और किस बेस पे आपको फाइंड करना है ये रहेंगी डॉक्टर की आईडी हम क्या करेंगे पास कराएंगे, और उसके बेसिस पे जो है इसको गेट करेंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डॉक्टर आईडी, और साथ ही में जो डॉक्टर को भी गेट कर लेंगे। सो कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट डॉक्टर मॉडल का यहाँ पर यूज कर लेंगे हम, उसके अंदर से हम करेंगे फाइंड वन, और हम क्या करेंगे यूजर आईडी के बेसिस पे जो है ना डॉक्टर को फाइंड कर लेंगे। ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑफ यूजर आईडी। तो दोनों को हमने फाइंड कर लिया, अब यहाँ पे हमको क्या करना है रिस्पॉन्स सेंड करना है रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड सक्सेस, इसमें हम कर देंगे ट्रू, मैसेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट फेच्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद में डेटा का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे और उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स को जो है हम पास करा देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। हमारा कंट्रोलर जो है तैयार है। अब हम क्या करेंगे एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, तो क्लाइंट के अंदर आप क्या करें SRC, और यहाँ पर हमारे पास पेजेस में डॉक्टर के लिए अलग से फोल्डर था, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट हम इसको बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और हम क्या करेंगे इसको लेआउट से रैप कर लेंगे। सो यहाँ पर डिव के बदले आपको लिखना है लेआउट, मेक श्योर इसको इम्पोर्ट भी कर लें, और हम एक काम कर सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास अपॉइंटमेंट्स पेज बना हुआ है ना, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ पूरा रिटर्न जो है कॉपी कर लेता हूँ, पहले कॉपी सभी को आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करना है, पेस्ट कॉलम को भी हम कॉपी कर लेंगे, कॉलम में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, पहले कॉपी कर लेते हैं उसके बाद में इसमें चेंजेस कर लेंगे। रिटर्न से पहले पेस्ट, फंक्शन भी चाहिए हमको, सो फंक्शन को भी आपको देखिए यूज इफेक्ट से जो है यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेना इसको, और स्टेट भी चाहिए, स्टेट को भी कॉपी कर लेंगे पेस्ट, और इंपोर्ट स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, टेबल चाहिए, मोमेंट पूरा ही कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और एक्स्ट्रा जो भी है ना उसको रिमूव कर लेंगे, जैसे कि लेआउट ऑलरेडी इम्पोर्ट करके रखा है हमने, और यहाँ पर ये यूज इफेक्ट और यूज स्टेट इसको यहाँ से कट करके टॉप पे जो है ऐड कर देंगे, और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, और आई थिंक सब कुछ सही है, सेव कर लेते हैं पहले इसको। और यहाँ पर एंड पॉइंट आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि ये स्लैश यूजर है ना तो यहाँ पे रहेगा डॉक्टर स्लैश डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, सेव कर लेते हैं इसको। app.js के अंदर क्या करेंगे एक और न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे, ये अपॉइंटमेंट्स था ना इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स कर देंगे डॉक्टर डैश अपॉइंटमेंट्स, और इस पेज के बदले डॉक्टर वाले पेज को ऐड कर देंगे। सो डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स देखिए सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे
ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से हमको जो लेआउट में भी जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। सो लेआउट, लेआउट डॉट जे एस, और डॉक्टर के लिए जो मेन्यू हमने बनाया था ना, तो इसमें यहाँ पर हम डॉक्टर ऐड कर देंगे, डॉक्टर डैश अपॉइंटमेंट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और होम पर क्लिक कर देता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश कर लूँगा एक बार, और अपॉइंटमेंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बराबर से डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर इनिशियल टाइम पे हमको कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको नेटवर्क टैब में देख लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, और ये रहा डॉक्टर अपॉइंटमेंट। तो देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स तो सक्सेस है, लेकिन डेटा नहीं मिल रहा है। तो एक बार कंट्रोलर चेक कर लेंगे, ये जो डॉक्टर आईडी है, तो यहाँ पर हम यूज़र से इसको गेट नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी हम इसको गेट कर रहे हैं ना, तो यहीं से इसको पास करा देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है डॉक्टर डॉट अंडरस्कोर आईडी, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए बराबर से अब हमारे पास जो है दो रिक्वेस्ट आ रही है, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट चेक कर लेंगे। देखिए डेटा, डेटा के अंदर हमारे पास यूजर आईडी, डॉक्टर इन्फो, ये सारे का सारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए दो बटन्स को जो है ऐड कर देना है। अभी स्टेटस पेंडिंग है, तो पेंडिंग के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्शन बटन जो है शो कराएंगे, जिसमें हम इसको अप्रूव और रिजेक्ट करेंगे, और ये स्टेटस को जो है अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइटल के अंदर जो है ना एक्शन को जो है ऐड कर देना है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, ये रहा हमारे पास डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, और ये टाइटल है। तो यहाँ से मैं ये कॉमेंट को रिमूव कर देता हूँ, और स्टेटस के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक टाइटल ऐड कर देंगे एक्शंस का। डेटा इंडेक्स इसमें है नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें सेफ्टी साइड के लिए जो है ऐड कर देंगे एक्शंस के नाम से, और उसके बाद में रेंडर आपको यूज़ करना है। इसके अंदर टेक्स्ट कॉमा रिकॉर्ड हमको मिलता है, एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ विथ क्लास ऑफ डी फ्लेक्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन बटन जो है कंडीशनली शो कराएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास स्टेटस अगर पेंडिंग है तभी हमको जो है शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड में से उसको गेट कर लेंगे, रिकॉर्ड डॉट स्टेटस, अगर ये इक्विवेलेंट है पेंडिंग के, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे बटन्स को, और इसको भी मैं एक डिव में ले लेता हूँ डी फ्लेक्स के नाम से, इसको भी क्लास दे देंगे, और इसके अंदर जो है बटन को यूज़ करेंगे। बटन क्लास नेम ऐड कर देता हूँ बी टी एन, बी टी एन सक्सेस, और इसका नाम हम रखेंगे अप्रूव, और यहाँ पर इसके ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को जो है क्रिएट कर लेंगे एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे हैंडल स्टेटस, और इसके अंदर जो है रिकॉर्ड को पास करा देंगे रिकॉर्ड, और साथ ही में टेक्स्ट को भी हमको पास कराना है, तो ये रहेगा अप्रूव्ड के लिए। और सेम इसी को क्या करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेकेंड वाला रहेगा रिजेक्ट के लिए, और इसको कर देंगे रिजेक्ट, और सक्सेस के बदले हम इसको डेंजर कर देंगे। और इस फंक्शन को अभी हमको क्रिएट करना है, तो टॉप पे हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करके छोड़ देंगे, और एक बार यूआई चेक कर लेंगे कि सही में हमको मिलता है या नहीं। कॉलम से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल स्टेटस इक्वल टू एरो फंक्शन, सेव, चेक कर लेते हैं आउटपुट एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको बटन जो है शो करेंगे। अभी स्टेटस जो है पेंडिंग है, इसीलिए जो यहाँ पर अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, और मार्जिन दे देंगे हम थोड़ा सा लेफ्ट से 2 का, सो MS2, सेव, चेक करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब हमको जो है अप्रूव और रिजेक्ट पर काम करना है, यानी अगर इस पर क्लिक हो तो ये स्टेटस जो है अपडेट होना चाहिए, और यहाँ से एक्शन भी जो है चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, सो डॉक्टर राउट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक न्यू राउट बना देंगे, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये रिक्वेस्ट जो है पोस्ट रहेंगी, और इसमें क्या होंगे, अपडेट होगा स्टेटस, सो राउटर डॉट पोस्ट, इस राउट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपडेट डैश स्टेटस, और अपॉइंटमेंट स्टेटस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं इस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सिर्फ अपडेट स्टेटस, उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर, और फिर कंट्रोलर, सेम नाम से रख देते हैं, अपडेट स्टेटस कंट्रोलर, इसको क्रिएट करना है, कॉपी कर लेते हैं पहले डॉक्टर कंट्रोलर, नीचे चलते हैं और इसको क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट अपडेट स्टेटस कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे, पेस्ट, सेव, और डॉक्टर राउट में जो इसको इंपोर्ट कर देंगे, आर को कट करके कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको। अब जो है यहाँ पर कंट्रोलर पे काम करेंगे, इसको एसिंक बना देंगे सबसे पहले, और फिर ये कॉल बैक फंक्शन है, तो इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमको मिलता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज कर लेंगे, कैच में हमको सिंपली कंसोल डॉट लॉग करना है पहले, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, फिर रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर शो करा देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, फिर उसके बाद में यहाँ पर सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स, एरर का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, उसके बाद में यहाँ पर मैसेज हम ऐड कर देंगे एरर इन
अपडेट स्टेटस। और अब यहाँ पर हमको ट्राई पर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपॉइंटमेंट आईडी और स्टेटस को जो है गेट कर लेंगे बॉडी में से, डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ से हमको चाहिए अपॉइंटमेंट्स या फिर अपॉइंटमेंट्स की आईडी को गेट कर लेंगे हम, और ये हमको क्लाइंट से आएगा। तो अभी हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट आईडी कर देते हैं इसको, और उसके बाद में स्टेटस, ये दोनों चीज़ें हम जो है क्लाइंट से गेट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स मॉडल का यूज़ करके जो है इसको अपडेट करा देंगे। कॉन्स्ट अपॉइंटमेंट्स इक्वल टू अवेट अपॉइंटमेंट्स मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना अपॉइंटमेंट आईडी को जो है पास करा देंगे, जो रिक्वेस्ट में हम गेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट आईडी, सॉरी मॉडल नहीं, अपॉइंटमेंट आईडी, और उसके बाद में स्टेटस को हम यहाँ पर पास करा देंगे। अगर की वैल्यू पेयर सेम है तो सिंपल एक बार भी लिख सकते हैं, या फिर आप कोलन लगा के एक और बार लिखेंगे अगर वैल्यू अगर चेंज है तो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन जो है यूज़र को पास करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, और नोटिफिकेशन का आई थिंक हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यूज़र कंट्रोलर में। देखिए ये जो है ना ये सेम चीज़ है, यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको पेस्ट करा देंगे। पेस्ट यूज़र मॉडल हमको जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक, या फिर है अपने पास, नहीं, इस पर क्लिक करेंगे ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा यूज़र मॉडल, चेक कर लेता हूँ फिर भी। ओके देखिए यहाँ पर है अवेलेबल यूज़र मॉडल, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास डायरेक्टली जो है ना अपॉइंटमेंट्स आईडी है, तो उसके बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी है। तो यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स आईडी कर देना है, और उसके अंदर है हमारे पास यूज़र आईडी। और पुश में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना मैसेज चेंज कर देंगे, स्टेटस अपडेटेड कर देंगे, स्टेटस अपडेटेड, और यहाँ से इसको भी चेंज कर लेंगे टोटली, मैसेज भी हम चेंज कर लेंगे। और इसके अंदर कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन अपडेटेड, और फिर स्टेटस को हम पास करा देंगे यहाँ पे स्टेटस, और यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पे इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे, डॉक्टर डैश अपॉइंटमेंट्स, सेव कर लेते हैं इसको। और बाकी सब कुछ तो सही लग रहा है। हाँ यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया ना अभी, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना सक्सेस कर देंगे यहाँ पर ट्रू, उसके बाद में मैसेज अपॉइंटमेंट स्टेटस अपडेटेड, सेव कर लेते हैं इसको, और कोई रिस्पॉन्स हमको भेजने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसको हम जो है फ्रंट एंड पे गेट करेंगे। तो चलते हैं वापस डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स में, और जो हैंडलर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ना इस पर काम करेंगे। तो इसके अंदर हमको जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मिलने वाला है, और फिर स्टेटस भी हमको यहाँ पर मिलेगा, और इस फंक्शन को एसिंक भी बना देंगे हम। एसिंक फंक्शन ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर लेंगे, इसमें कैच में कंसोल डॉट लॉक कर देंगे एरर को, और मैसेज का यूज़ कर लेंगे हम, मैसेज कंपोनेंट फ्रॉम एंड डिज़ाइन, और यहाँ पर एरर का यूज़ कर लेंगे एरर, और यहाँ पर लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। और ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अवेट करना है, कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट डॉट पोस्ट, इसके बाद में स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश डॉक्टर स्लैश अपडेट स्टेटस, और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स आईडी को जो है पास करा देंगे, जो कि हमने कंट्रोलर में पास किया है। देखिए अपॉइंटमेंट्स आईडी इसको हमको जो है पास कराना है, तो यहाँ पे हम इसको पास करा देंगे अपॉइंटमेंट्स आईडी, और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी रिकॉर्ड में से। सो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का यूज़ करना है, रिकॉर्ड डॉट अंडर स्कोर आईडी, उसके बाद में स्टेटस भी हमको यहाँ पर ऐड कर देना है, और फिर हेडर्स भी हमको लगेगा, तो हेडर्स भी आप यहाँ पर पास करा दें। मल्टी लाइन कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, हेडर्स, हेडर्स के अंदर ऑथोराइजेशन, फिर बैकटिक का यूज़ करेंगे, बियरर, डॉलर करली ब्रेसेस, लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे, इसमें से हमको गेट करना है टोकन को, सो गेट आइटम ऑफ टोकन, और इसके बाद में हम यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ रेस डॉट डेटा डॉट सक्सेस, यानी सक्सेस रिस्पॉन्स अगर हमको मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज जो है शो करा दो, मैसेज डॉट सक्सेस, और इसके अंदर हमारे पास मैसेज भी है, तो रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज वो यहाँ पे शो करा दो। और साथ ही में हम क्या करेंगे, गेट अपॉइंटमेंट्स है ना, इसको डबल से जो है कॉल कर लेंगे, गेट अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट लिस्ट जो है अपडेट हो जाएंगी, सेव कर लेते हैं इसको, और आई थिंक ये काम करना चाहिए। चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर, साथ ही में नेटवर्क टैब भी ओपन रखेंगे, नेटवर्क, और इसको रिफ्रेश कर लेंगे पहले। फर्स्ट वाला मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 0-0 है ना, इसलिए मैं रिजेक्ट पहले ट्राई कर लेता हूँ। इसको क्लियर कर देंगे, रिजेक्ट, समथिंग वेंट रॉन्ग, देखिए यहाँ पर इशू है, और रिक्वेस्ट में क्या है, रिजेक्ट आ रहा है, अपॉइंटमेंट भी रिजेक्ट आ रहा है बराबर से, रिस्पॉन्स में कुछ तो भी इशू है, कंसोल पे चेक कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ नल, ओके
तो नोटिफिकेशन में कुछ इशू है, कंट्रोलर में वापस चलते हैं। और आई थिंक ये डायरेक्ट जो है ना कॉल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ पहले, कॉन्स्ट। और नोटिफिकेशन की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से अपने पास डेटाबेस में, आपके पास जो होंगी तो आप वो करेक्ट करके लिखें। और इसको हम यूज़र में से गेट कर रहे हैं, यूज़र डॉट नोटिफिकेशन। और यहाँ से इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं एक बार, और नोटिफिकेशन को हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर पुश करा रहे हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार। अच्छा देखिए यहाँ पर ये रिजेक्ट हो चुका है बराबर से, और यहाँ पर स्टेटस भी देख सकते हैं वो रिजेक्टेड है, पता नहीं क्यों इशू करा हुआ। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्रूव करके एक बार चेक कर लेंगे। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करता हूँ। फिर से समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया, और अगेन हमारे पास जो है ना नोटिफिकेशन ऑफ नल आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये अपडेट हो जाएगा, देख सकते हैं अप्रूव। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग आउट करके जो है ना यूज़र में चेक कर लेंगे। सो यूज़र आईडी से आप लॉग इन कर लें, aa.com था अपने केस में। हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे 123456 लॉग इन, और नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए नोटिफिकेशन इसके पास नहीं आया है, तो इसको ये जो आईडी मिल रही है वो अपॉइंटमेंट्स आईडी के अंदर से मिल रही है ना, तो इसको हम कट कर लेंगे। और जो अपॉइंटमेंट्स हम गेट कर रहे हैं उसमें से हमको चाहिए यूज़र की आईडी, तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक और रिक्वेस्ट भेज के देखेंगे, और डेट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि आज की 16 है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर टाइमिंग मैं 7 कर लेता हूँ, ओके। बुक नाउ, अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, अपॉइंटमेंट्स में चेक कर लेंगे, देखिए एक पेंडिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग आउट हो जाता हूँ, और डॉक्टर की आईडी से हम लॉग इन कर लेंगे, user@user.com 123456। तो देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अ न्यू अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम जॉन स्मिथ। तो ये तो बराबर काम कर रहा है, इसको हम मार्क ऑल रीड कर देंगे। और रीड में देखिए यहाँ पर इशू है अपने पास, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। और रीड में चेक करेंगे तो हमारे पास अब ये रीड में आ चुकी है, इसको डिलीट कर देंगे। अपॉइंटमेंट्स में चलते हैं, तो देखिए बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है, और इसको अप्रूव कर देंगे, अप्रूव। और मैं क्या करता हूँ, एज को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से हम जो है ना यूज़र से लॉग इन हो जाएंगे, aa.com 123456 लॉग इन। तो देखिए अब बराबर से नोटिफिकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए योर अपॉइंटमेंट हैज़ बिन अपडेटेड, और अप्रूव आ रहा है, बराबर सक्सेसफुली फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अपॉइंटमेंट्स में इसको चेक कर लेंगे तो देखिए अप्रूव हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमारी डॉक्टर की एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब कुछ बग्स है वो हम लेटर बाद में फिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो सारा सोर्स कोड आपको जो है गिटहब पर मिल जाएगा, मेक श्योर आप जो है ब्रांचेस को चेक करें। वहाँ पर मैंने ब्रांचेस के हिसाब से, यानी वीडियो जो है उसका नंबर भी लिखा हुआ है उसके आगे कहाँ तक के कोड है, तो आप सर्च करें, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आती है कोड को कंपेयर करें। मैं मिलता हूँ कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, और बग फिक्सेस का हम देखेंगे वीडियो के रिस्पॉन्स के हिसाब से, हम जो है फिर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे।